नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने कुछ बात रखने जा रहा हूँ जो कि हंसी मजाक और व्यंग से जुड़ी हुई तो है ही, लेकिन वास्तविक तथ्यों पर भी आधारित है, जिससे आप भली भांति परिचित है। मैं बात करूंगा कचरे वाले की और कचरे की गाड़ी की। कचरे वाला वही व्यक्ति जो आपके घर का सदस्य है, जिसके आने पर जिसकी आवाज़ सुनकर आप घबरा कर उठ जाते हैं और उठ कर भागने लगते हैं, कचरा बीनने लगते हैं, वो काम आप करने लगते हैं जो आज तक आपने आपके माता पिता के कहने पर भी नहीं किया। कचरे की गाड़ी धीरे धीरे आपके घर के समीप आने लगती है। मधुर संगीत, सुर और ताल धीरे धीरे तेज होने लगते हैं और उसी वक्त आपके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती है, क्योंकि आप उस वक्त मोबाइल चला रहे हैं। सुबह सुबह जब आप मोबाइल चला रहे होते हैं, बहुत सारे वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी जैप्पी के रिप्लाई आपको करने होते हैं। उसी वक्त आपके माता पिता धीरे से पीछे से आवाज़ लगा देते हैं कि बेटा जाके कचरा फेंक दो। लेकिन फिर भी आप बड़े हिम्मत वाले हैं, आप दिल पे पत्थर रखकर दिल को कठोर करके जब कचरा फेंकने जाते हैं तो आपके एक हाथ में होता मोबाइल, लेकिन आप नीचे क्या देखते हैं, नीचे है दो डस्टबिन, एक गीला कचरे का, सूखा कचरे का। उसके बावजूद भी आप बड़ी हिम्मत करके सोचते हैं कि मैं गीला कचरा सूखा कचरा दोनों एक ही में डाल के एक हाथ में मोबाइल पकड़कर कचरा फेंक के आ जाऊं। आपकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आप ये जानते हो कि जितना आपकी मम्मी पापा अभी डांटे उससे ज्यादा तो आपका कचरे वाले काका जी डांट देंगे। पाकिस्तान में घुसने की हिम्मत आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन गीला कचरा सूखा कचरा कचरे वाले के सामने नहीं डाल सकते। ये तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन जरा सोचिए उस व्यक्ति के साथ क्या होता होगा जो घर में अकेला रहता है, जो सुबह सुबह ऑफिस और कॉलेज के लिए उठता है और सुबह सुबह उसे उसी वक्त बाथरूम जाना होता है जिस वक्त कचरे की गाड़ी आती है। अब कचरे की गाड़ी आ गई, मधुर संगीत तेज हो गया, धीरे धीरे गाना भी बज रहा है, लेकिन उधर का जो आपका प्रेशर है वो भी बना हुआ है। अब वहाँ भी जद्दोजहद के साथ प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं, इधर कचरे की गाड़ी की आवाज़ तेज होती जा रही है, वो आपके घर के समीप आती जा रही है। अब आपके मन में है प्रश्न, करे तो करे क्या, ये कार्यक्रम भी आधा नहीं छोड़ सकते, कचरा फेंकना भी जरूरी है, क्योंकि कचरा अपन ने 8 दिन से नहीं फेंका। अगर कचरा अपन ने 1-2 दिन और नहीं फेंका तो कचरा अपना बन जाएगा कूड़ादान। जल्दी उठ गए हो तो आप जानते हो, क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है, आप जल्दी उठे हो। आपने अगर कचरा फेंकने के लिए सिर्फ उठे हो तो आपकी काका जी में हिम्मत नहीं कि कल आप इतनी ठंड में वापस सुबह जल्दी उठे, इसलिए आपको कचरा फेंकना भी जरूरी था। और आप भी बड़ी हिम्मत करके नल चालू करके फटाफट पानी डाल के कचरा फेंक लेते। जरा सोचिए उस व्यक्ति का दर्द जो ऐसा करता है। जब मैं बातों को सोच रहा था तो मैंने देखा कि कचरे की गाड़ी सुबह सुबह आने से सिर्फ हमें परेशानियां नहीं है, बहुत सारे फायदे भी हैं। क्योंकि सुबह सुबह पौराणिक काल से चले आ रहे इतिहास गवाह है कि सुबह सुबह कचरे के नाम पर जो कॉलोनियों में, जो मोहल्लों में लड़ाई होती है, वो अभी कचरे की गाड़ी आने की वजह से खत्म हो चुकी थी। क्योंकि हम कचरे की गाड़ी में ही पूरा कचरा डाल देते हैं, ना हम किसी घर के सामने कचरा इकट्ठा कर पाते, ना कोई हमारे घर के सामने कर पाता है। लेकिन इसके साथ चलते बेरोजगार बुजुर्ग और गृह स्वामी महिलाओं के लिए ये बहुत चिंता का विषय बन चुका था कि अब वो करे तो करे क्या, अपना 1 घंटा बिताए तो बिताए कहाँ, क्योंकि अब तो लड़ाई भी नहीं हो रही। लेकिन उसी वक्त प्रशासन के द्वारा एक घोषणा होती है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालें। उसी वक्त उन लोगों ने निर्णय लिया कि आज के बाद हम गीला कचरा और सूखा कचरा कभी भी एक एक करके नहीं डालेंगे और दोनों को मिक्स करके डालेंगे। अब इसी बात को मन में रखते हुए महिलाएं गीला कचरा और सूखा कचरा जब गाड़ी के समीप ले जाती हैं और कचरे में डालने की हिम्मत करती हैं, उसी वक्त कचरे वाला उनको रोकता है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आज आपने ऐसा कर दिया तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, आपकी बहस हो जाएगी। आपका बहस होने में आपका सबसे बड़ा फायदा कि जो लड़ाई पौराणिक काल से चली आ रही थी, स्वयं इतिहास उन लड़ाई और युद्धों का गवाह है, वो वापस से दोहराई जा रही है, क्योंकि कचरे वाला और महिला वापस से लड़ना शुरू कर देती हैं और उनकी लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और ऐसे ही करके एक घर के सामने 1 घंटा एक कचरे वाला बिता देता है। उसके बावजूद मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं देश के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि घर के पतियों की भले सैलरी कम करती जाए, लेकिन उन कचरे वाले जो हमारे भैया हैं उनसे ट्रेनिंग दिलवाई जाए कि वो किस तरह महिलाओं से बहस करते रहते हैं और जीतते हैं। युद्ध के विजय प्राप्त करने का एक सीधा सा परिणाम ये है कि हर एक महिला गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने रखी है। पूरा विश्व आज महिलाओं की बहस के सामने झुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कचरे गाड़ी के साथ आने वाले भैया लोग इतनी आसानी से वो युद्ध जीत लेते हैं, उन्हें सैल्यूट है। मैं अपने देश की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जरा उन लोगों को भी ढूंढो जो पहले शाम के वक्त झाड़ू लगाने पर कहते थे कि झाड़ू ना लगाई जाए क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी चल जाएगी, लेकिन आज झाड़ू लगाई भी जाती है और शाम के टाइम पे कचरे गाड़ी में कचरा फेंका भी जाता है, क्योंकि हमारे घर के लोग समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, तुम भी समझदार हो, सब समझदार हैं। ये तो हो गई मेरी फालतू बात। धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों जो सुबह से लेकर शाम तक डटे रहते हैं, इस तरह की परेशानियाँ झेलते हैं, लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, समाज के लोगों से लड़ते हैं, नाना प्रकार की बातें सुनते हैं, लेकिन रोज रोज हमारे घर के सामने हमारे घर का कचरा उठाने आ जाता है। पूरा सड़क, हमारा पूरा समाज, पूरे देश को साफ कर रहे हैं, जो चीज इतने सालों में एक आम आदमी नहीं कर पाया, प्रशासन नहीं कर पाई, आज वो लोग कर रहे हैं। भारत को स्वच्छ बनाने का जो सपना था उसको साकार करने का काम जो लोग कर रहे हैं।